कुछ है मनोहर दुग्रा जी, सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कोरोना का जो प्रादुर्भाव काफी बढ़ चुका हुआ, ऐसे में गत 20 से 25 दिनों से ट्रेड बंद है, ट्रेड का असर गिरा, लॉकडाउन सेकंड शुरू है, आगे चल के भी बता नहीं सकते लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति रहेंगे, तो आपका जो व्यापार है होलसेल का उससे रिलेटेड आपको क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है उस बारे में? सर्वप्रथम तो आपको नमस्कार। लॉकडाउन जो 21 तारीख से चालू हुआ है, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसा किया है उनके आदेश अनुसार सब व्यापारी और जो भी है नागपुरवासी सब लोग उनका पालन कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि रेडीमेड गारमेंट्स से हमारे 565 सदस्य पंजीकृत हैं, उसके अंदर ट्रेडर्स लोग हैं, हैंडलूम का, रेडीमेड का, होजरी का व्यवसाय करते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी परेशानी तो ये आएंगी कि सबके यहाँ जो जॉब करने वाले कर्मचारी लोग हैं इनको पैसे कैसे देना, सरकार का आदेश है कि इनको पूरा दिया जाए, जबकि हमारा व्यवसाय टोटल बंद है, सभी को पता है, आवक का एक पैसे का भी इनकम नहीं है, सबके गोदामों को किराया देना है, लाइट के बिल देना है, पानी के बिल देना है, सरकार की जो भी है टैक्सेस ही देना है, प्रोफेशन टैक्स देना है, इनकम टैक्स देना है, GST भरना है, वकीलों की फीस है, चार्टेड अकाउंटेंटों की फीस है, सब की खर्चे लागू है, आवक हमारे पास नहीं है। तो हमारी तो सरकार से अनुरोध है विशेष खास करके कि हमको इसके अंदर बहुत, जैसा कि एक काश्तकार को फसल नष्ट हो जाती है और उसके ऊपर सरकार कुछ पैकेज देती है, तो व्यापारियों के लिए भी कोई ऐसा पैकेज निर्धारित किया जाए कि छोटे जो व्यापारी है पुनः स्थापित हो सके और खड़े हो जाए, नहीं तो ऐसी महामारी तो आई है पूरे देश में, तो हो सकता है कि छोटा व्यापारी एकदम से नग्न हो जाए और एकदम से जीरो हो जाए, जो वापस खड़ा होने में असमर्थ रहे। किराएदार को भी किराया, अपना मकान मालिक को भी किराया भरने का है, वो भी छोड़ेंगे नहीं। तो मेरी आप सबसे निवेदन है और कर्मचारियों का जो है इसके लिए हमारे नागपुर के NVCC ने सरकार को ज्ञापन दिया है 25 से 30% का इसके अंदर हम देने में समर्थ है, तो इसके ऊपर भी सरकार ने ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द, खास करके कर्मचारी को हमने क्या करना कैसे देना इसके ऊपर जल्द से जल्द योग्य निर्णय लेके सरकार व्यापारियों का भी साथ चाहेगी और व्यापारियों का भी भला हो, सबके व्यापार नगण है, आवक कुछ भी नहीं है, खर्चे लागू ही है, हर प्रकार के लगे खर्चे बढ़ चुके हैं, कम नहीं हुए हैं। ऐसे कठिन स्थिति में और ऐसे जो मुश्किल का जो दौर चल रहा है, ऐसे में आपको यहाँ के जो पुलिस प्रशासन हो गया और अपना महानगर पालिका है उनका प्रशासन का आपको सपोर्ट कैसा मिल रहा है? जैसे कि हमारी उप समितियां हैं जो खाद्य सामग्री के पैकेट बना बना के पहुंचाया है मोहल्ले के अंदर, और काफी पुलिस वालों का भी सहयोग मिला है, पासे निर्धारित की है, डॉक्टरों का भी अच्छा सहयोग हो रहा है सभी को, नर्सों का भी काफी इसमें सक्रिय योगदान है, सफाई कर्मचारी को भी काफी अहम भूमिका है, सबको घर से बाहर आने के लिए मना कर रहे हैं, जरूरी आवश्यक कार्य हेतु घर का एक परिवार का एक ही सदस्य जाके जो भी सामान लेना है लेके आवे, और सभी लोग कृपया करके घर में ही बैठे और शासन के अनुसार आज्ञा का पालन करें, खुद भी स्वस्थ रहें, देश को भी स्वस्थ करें, और भगवान करे जल्द से जल्द ये महामारी से सबको छुटकारा मिल जाए। ये मुश्किल की घड़ी में जो योद्धा अपनी सेवाएं दे रहे हैं प्रदान कर रहे हैं, ऐसे में आप भी एक सेवा भाई संस्था की तरफ से मास्क का वितरण कर रहे हैं, उस बारे में क्या लोगों की कार्य प्रणाली उस बारे में? हमारी उप समिति RNCD गारमेंट के विनय जैन सेक्रेटरी है, इन्होंने काफी तादाद के अंदर मास्क बना के काफी तादाद में निःशुल्क सेवा भाव के हिसाब से इन लोगों ने वितरित किया है, अन्य की सामग्री भी वितरित किया है। हमारे व्यापारी भाई जो जैन समाज के हैं, जैन समाज के मंदिर द्वारा भी काफी योगदान रहा है, और हमारे संस्था के उपाध्यक्ष श्री गोपाल जी अग्रवाल, इनकी संदेश नाम की एक संस्था है और संदेश पेपर भी ये जाहिर करते हैं, इन्होंने भी काफी समाज में निम्न वर्ग को और झोपड़पट्टी में स्लम एरिया में काफी पैकेज दे रहे हैं, और आज तक इनका प्रयास चालू है। आपके हिसाब से, आपके एसोसिएशन के हिसाब से अब तक के जो 25-30 दिन का जो गैप गिर गया है लॉकडाउन का और आगे करके भी गैप गिर गया है, तो आपके हिसाब से एक प्रकार से कितना लॉस आपके इसको सहना पड़ रहा है एसोसिएशन को? एसोसिएशन को तो नुकसान संस्था को नहीं है, लेकिन एसोसिएशन के अंतर्गत जो व्यापारी है उनको काफी नुकसान आएगा कि काफी लोगों का माल, अभी जो सीजन थी लगन सराय की, तो लगन सराय की सीजन हमारी 3 महीने पहले तैयारी होती है, जो लगन सराय का धंधा गया, ईद के अंदर भी काफी तादाद में रेडीमेड गारमेंट्स बिकता है, उसके ऊपर ईद का भी धंधा नजर नहीं आ रहा है,
आने वाले स्कूल सीजन का भी माल काफी तादाद में नागपुर में बनता है, करीबन 1000 मैन्युफैक्चरर्स है। कपड़ा ही नहीं आएगा तो तैयारी कहाँ से करेंगे? तो मजदूरों को भी पैसा देना, कारीगरी को भी पैसा देना, ये जो निर्माता है जो रेडीमेड गारमेंट बनाते हैं उनके ऊपर काफी संकट की घड़ी है। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी सरकार ने काफी प्रयास करके इनका वो बातें सुन के इनको भी सहयोग करना चाहिए और ऐसी कोई योजना बनाए कि जिसमें व्यापारियों का भी हित हो, सरकार का भी हित हो। सरकार से आप मांग करोगे कि अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या जीएसटी हो गया या टीडीएस हो गया, हाँ, इसमें कुछ कटौती करके आप लोगों को राहत प्रदान करें। एनवीसीसी के माध्यम से हमारे जो उपाध्यक्ष महोदय फारूक भाई अकबानी, इनसे मेरी वार्तालाप फोन पे हुई थी, इनको भी मैंने निवेदन किया था कि अभी सरकार तक की आवाज पहुंचा के एमएससीबी का जो बिल आता है कम से कम 50% की माफी मिलना चाहिए, चाहे घर में भी बैठे हो, चाहे उपभोक्ता घर की हो, चाहे व्यापार की हो। अगर एमएससीबी का जो नियम है, अगर आपका लाइट का वापर नहीं होता तो भी मिनिमम बिल भरना पड़ता है, तो इनके बिलों में भी 50% की कटौती शासन ने करना चाहिए। सभी से निवेदन करता हूँ मैं, नारायण ढिंगरा दी, नागपुर होलसेल होजरी रेडीमेड गारमेंट मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे उपाध्यक्ष महोदय श्री गोपाल जी अग्रवाल हैं, उपाध्यक्ष महोदय राजेश जी गोयल हैं, हमारे संस्था के सचिव पवन जी जैन हैं, उसके अलावा भी हमारे कार्यकारिणी में रवि कुमार मोदी, अनिल कुमार जी जैन, विकास जी जैन, सुनील जी आडवाणी, रवि जी जेसवानी, रितेश कृपलानी, राजेश जी खेमानी, सभी हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं जो कार्यकारिणी में यथासंभव सबको सहयोग कर रहे हैं। और मेरी सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि शासन के आदेश अनुसार आप पालन करें, लॉकडाउन का घर पे बैठें, जरूरत हो तो घर के निकलें, अन्यथा घर पे ही बैठें, अपना और अपने बाल बच्चों का, परिवार का पूरा ध्यान देवें।